हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू म्यूचुअल फ़ंड क्वेश्चन सीरीज सो दिस इज़ द अनदर क्वेश्चन सो लेट्स रीड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डाटा एस्टिमेट द नेट एसेट्स वैल्यू एन ऑन पर यूनिट बेसिस ऑन ऑफ अ रेगुलर इनकम स्कीम ऑफ अ म्यूचुअल फ़ंड सो एक म्यूचुअल फ़ंड कंपनी है उसकी रेगुलर इनकम स्कीम है उसकी हमें एन निकालनी है यानी नेट एसेट्स वैल्यू जिसका फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज if we have to calculate per unit basis so we have to divide number of units okay so what is the formula of nav per unit market value of all assets minus outside liabilities divided by number of units okay so first we have to calculate market value of all assets तो so नीचे जो भी लिस्ट दे रखी है हमें उस पर एक एक करके सबकी मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो कैसे निकालेंगे लिस्टेड शेयर्स एट कॉस्ट दे रखा है फोर्टी लैक्स तो फोर्टी लैक्स एंड आगे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देंगे ये जिससे हमें मार्केट वैल्यू पता चले इसकी कैश इन एंड दे रखा है हमें टू पॉइंट सेवन सिक्स लैक्स एंड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स भी कॉस्ट पे दे रखा है एट पॉइंट नाइन सिक्स बट ये कोई काम का नहीं है क्योंकि एट कॉस्ट है अब एट पॉइंट नाइन सिक्स में से लिस्टेड मतलब जो लिस्ट सॉरी बॉन्ड्स नॉट लिस्टेड यानी जो बॉन्ड लिस्टेड नहीं है उसकी वैल्यू दे रखी है टू पॉइंट फाइव ओके तो इसमें से जो अनलिस्टेड बॉन्ड्स हैं उसकी वैल्यू है टू पॉइंट फाइव बाकी बचे हुए लिस्टेड है उसकी वैल्यू आगे कुछ ना कुछ देंगे एंड अदर फिक्सड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ एट कॉस्ट दे रखा है नाइन पॉइंट सेवन फाइव ये भी किसी काम का नहीं वी हैव टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू डिविडेंड एक यानी डिविडेंड हमें कितना मिलना बाकी है वन पॉइंट नाइन फाइव लैक्स अमाउंट पेएबल दे रखा है थर्टीन पॉइंट फाइव फोर एक्सपेंडिचर इंकर्ड सॉरी ये एक्सपेंडिचर इंकर्ड नहीं होना चाहिए एक्सपेंडिचर एक होना चाहिए ओके okay? तो एक्सपेंडिचर एक हमें कितना एक्सपेंडिचर डी हुए अभी वन पॉइंट सेवन सिक्स लैक्स ओके नेक्स्ट हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्सड इनकम सिक्योरिटीज ऑफ फेस वैल्यू हंड्रेड इज नाइन्टी सिक्स पॉइंट फिफ्टी यानी जो सौ रुपए फेस वैल्यू के हैं फिक्सड इनकम सिक्योरिटीज़ उसकी वैल्यू हो गई है नाइन्टी सिक्स पॉइंट फाइव तो हम कैसे निकालेंगे फिक्सड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ कॉस्ट कितनी दे रखी है नाइन पॉइंट सेवन फाइव नाइन पॉइंट सेवन फाइव पहले कितना था सौ के बराबर तो डिवाइड कर दिया हंड्रेड अब कितना है नाइन्टी सिक्स पॉइंट फाइव के बराबर तो मल्टीप्लाई कर दिया नाइन्टी सिक्स पॉइंट फाइव ओके तो आ गया हमारा नाइन पॉइंट फोर जीरो एट सेवन फाइव आ गई हमारी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ कैसे आई डिवाइडेड बाय हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय नाइन्टी सिक्स पॉइंट फाइव नंबर यूनिट्स दे रखे हैं हमें म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स होते हैं वो दे रखे हैं टू पॉइंट सेवन फाइव लैक्स यानी टू लैक्स सेवन फाइव थाउजेंड और हमें दे रखा है ऑल लिस्टेड इक्विटी शेयर्स फॉर परचेज एट अ टाइम वन मार्केट पोर्टफोलियो इंडेक्स वॉज ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड यानी जब हमने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स खरीदे थे तब मार्केट पोर्टफोलियो कितना सॉरी मार्केट पोर्टफोलियो इंडेक्स कितना था 12,500 और बट ऑन एनी वी डेट पोर्टफोलियो इंडेक्स है 19,975 ओके okay? तो मार्केट बढ़ा है तो हम ये भी सिंपल कैसे कर देंगे लिस्टेड शेयर्स एट कॉस्ट कितने थे फोर्टी तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे करंट में कितनी है इंडेक्स 19,975 पहले कितनी थी डिवाइड कर देंगे 12,500 तो कितनी आ गई लिस्टेड शेयर्स की मार्केट वैल्यू 63.92 ओके अब हमें क्या देखा है देर हैज बीन अ माइनशन यानी लेस करना पड़ेगा हमें 15% परसेंट इन अनलिस्टेड बॉन्ड्स यानी जो अनलिस्टेड बॉन्ड्स की वैल्यू थी ना 2.5 इसमें से हमें लेस करना पड़ेगा कितना परसेंट फिफ्टीन तब जाके निकलेगी अनलिस्टेड बॉन्ड्स की वैल्यूएशन लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स की मार्केट वैल्यू एज इट इज देर की एन सेवन पॉइंट फाइव लैक्स ओके ऑन एनिवी डेट अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस पेड किए हैं हमने यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हमने पे कर चुके हैं हम कितना है टू पॉइंट टू फोर लैक्स ओके तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था अब हम पहले कैलकुलेटर पर कर देते हैं जैसे हमेशा करते हैं उसके बाद हम आपको सॉल्यूशन भी दिखा देंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हमें क्या चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स सबसे पहले दे रखा है लिस्टेड शेयर्स एट कॉस्ट तो फोर्टी लैक्स अब हमें इसकी मार्केट वैल्यू चाहिए कैसे निकलेगी डिवाइडेड बाय ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय वन नाइन नाइन सेवन फाइव ओके मेमोरी प्लस सिक्सटी थ्री पॉइंट नाइन टू आया उसको मेमोरी में डाल दिया अब कैश इन हैंड कितना है टू पॉइंट सेवन सिक्स ये एज इट इज़ मेमरी प्लस हो जाएगा क्यों क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू वही होगी जो इसकी बुक वैल्यू है कैश की कोई मार्केट वैल्यू अलग से तो होती नहीं है एंड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स एट कॉस्ट दे रखा है कितना टू पॉइंट सॉरी एट पॉइंट नाइन सिक्स और इसमें से जो अनलिस्टेड बॉन्ड्स हैं उसकी टू पॉइंट फाइव दे रखी है बट टू पॉइंट फाइव में से हमें हम लेस करना पड़ेगा कितना कितना परसेंट डिमाइनेशन था फिफ्टीन परसेंट ओके इन अनलिस्टेड तो फिफ्टीन परसेंट लेस कर दिया फिर आ गया 2.125, जिसको हमने कर दिया मेमोरी प्लस और लिस्टेड के भी कुछ दे रखे थे येरी वैल्यू लिस्टेड, लिस्टेड की येरी लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स की वैल्यू दे रखी है 7.5 पॉइंट फाइव लैक्स एज इट इज़ सेवन पॉइंट ये भी मेमोरी प्लस ओके और अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज एट कॉस्ट है 9.75 तो 9.75 इसको पहले क्या करना पड़ेगा मार्केट वैल्यू पर लाना पड़ेगा तो 9.75 को डिवाइड करेंगे हम किससे 100 से क्योंकि तब हंड्रेड रुपीज थी सर 100 हंड्रेड नहीं थी मतलब सौ का फेस वैल्यू का शेयर सॉरी सौ का जो वैल्यू थी वो अब नाइन्टी सिक्स पॉइंट फाइव ही रह गई है तो डिवाइड कर देंगे हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे नाइन्टी सिक्स पॉइंट फाइव से मेमोरी प्लस अब क्या बचा डिविडेंड एक यानी डिविडेंड हमें मिलना बाकी है वन पॉइंट नाइन फाइव ये भी मेमोरी प्लस बस अब कोई एसेट बचा नहीं है एसेट सारे कवर तो मेमोरी रिकॉल तो हमारी आ गई मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एटी सेवन पॉइंट सिक्स सिक्स ओके अब इसमें से हम क्या लेस कर देंगे आउटसाइड लाइब्रेरीज आउटसाइड लाइब्रेरीज क्या है 13.54 पॉइंट फाइव फोर जो कि है हमारा अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स और लेस करेंगे हम एक्सपेंडिचर एक्रूड ओके ये एक्रूड है अगर ये एक्सपेंडिचर इंकर्ड होता तो ये यहाँ नहीं होता ओके okay? ये एक्सपेंडिचर एक्रूव है यानी हमें देना बाकी है आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं ओके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं तो इसमें से भी वन पॉइंट सेवन फाइव सेवन सिक्स और लेस कर दिया तो आ गया हमारा टोटल एन ए वी सेवेंटी टू पॉइंट थ्री सिक्स थ्री सेवन ओके अब आप सब सोच रहे होंगे ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमने पे किए हैं ड्यूरिंग द ईयर ये हमने लेस क्यों नहीं किए टू पॉइंट टू फोर लैक्स वाई बिकॉज ऑफ द दिस वर्ल्ड पेड इसमें कह रखा है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर पेड यानी हम ये चुका चुके हैं और एन की डेफिनेशन क्या थी मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स लेस आउटसाइड लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज यानी हमें अगर एक्सपेंडिचर करना बाकी होता यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करना बाकी होता किसी न किसी को पैसा देना बाकी होता तो हम लेस कर देते बट इट इज़ पेड यानी हम चुका चुके हैं इसको ओके तो हमारा कितना आ गया टोटल एनएवी 72.36 वी हैव टू डिड बाय हाउ मच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितने टू पॉइंट सेवन फाइव लैक्स डिवाइडेड बाई टू पॉइंट सेवन फाइव तो आ गया हमारा एनएवी पर यूनिट 26.314 ओके सिंपल सा क्वेश्चन था इसमें एक ये मस्त पॉइंट था बस बिकॉज दिस इज पेड तो हमने इसको क्वेश्चन में कंसिडर नहीं किया और बाकी आप सबको आ गया होगा इसकी मार्केट वैल्यू निकालना किसी क्वेश्चन टैली करना है सॉरी आंसर टैली करना है तो आप देख सकते हैं ये एन ए बी पर यूनिट का फॉर्मूला मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स पर्टिकुलर्स ऐसे आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं एग्जाम में लिस्टेड शेयर्स की वैल्यू निकाल दी हमने मार्केट वैल्यू कैसे डिवाइड किया ट्वेल्व थाउजेंड 12,500 से और मल्टीप्लाई किया 19975 से तो आ गया ये और कैश को हमने ऐड किया लिस्टेड बॉन्ड्स को ऐड किया अनलिस्टेड बॉन्ड्स को ऐड किया फ़िक्स्ड इंटर सिक्योरिटीज़ को मार्केट वैल्यू निकाली डिविडेंड एक्रूड को ऐड किया फिर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स आई हमारी 87.66 उसके बाद आउटसाइड लाइबीज जितनी भी थी अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स वो लेस किया एक्सपेंडिचर एक्रूव ओके एक्रूव हो क्वेश्चन में चार चेंज कर देना आप वो लेस किया फिर आ गई हमारी टोटल एन ए वी सेवेंटी टू पॉइंट थ्री सिक्स थ्री सेवन फिर एन ए वी पर यूनिट पूछा था क्वेश्चन में इसलिए हमने लिख दिया ये एन ए वी पर यूनिट डिवाइडेड बाय सॉरी एन ए वी पर यूनिट कैसे निकलेगी एन ए वी टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स कितने टू पॉइंट सेवन फाइव तो डिवाइड कर दिया ट्वेंटी सिक्स पॉइंट वन थ्री सॉरी 26.314 सिक्स पॉइंट थ्री वन फोर आ गया तो ये है एन ए वी पर यूनिट अगर क्वेश्चन में नहीं भी पूछा होता तो भी आप कर सकते हैं बस नंबर ऑफ़ यूनिट्स दे रखे होने चाहिए आपको डिवाइड ही करना है सिर्फ ओके सिंपल सा क्वेश्चन था